हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह की साफ सफाई से हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और इधर हम आए हुए हैं बगिया को, तो बगिया में झाड़ू लगा देते हैं, जो कि आज भी बुआ ने झाड़ू नहीं लगाया था। तो ये तो हमको रोज ही लगाना होता है, तो जिस दिन बुआ नहीं लगाती हैं उस दिन हम लगा देते हैं। तो हमने कहा चलो झाड़ू लगा देते हैं, और घर में तो हमने साफ सफाई कर दी है, उसके बाद में ही बगिया को आए थे। तो बस झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद में ही घर पर चलते हैं। तो सुबह के यही सारे काम होते हैं, घर की साफ़ सफाई और बाहर की साफ़ सफाई। तो सुबह के टाइम जो हो जाता है साफ़ सफाई का काम तो हो ही जाता है, और बाद में तो बहुत ज़्यादा धूप भी हो जाती है, तो साफ़ सफाई करते हुए मन भी नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। और अभी है ना कि जो पेड़ हमारे यहाँ ये खड़े हुए हैं, इनमें पत्ता भी नहीं लगा है, तो ये चंदनिया के पेड़ खड़े हुए हैं, तो एकदम से सूखे सूखे से लग रहे हैं, और जब पत्ता लग जाएंगे तो एकदम से हरे भरे हो जाएंगे, और यहाँ पर फिर बहुत ही अच्छे से छाया भी आ जाएगी, और दोपहर में यहाँ पर अच्छा भी लगेगा। लेकिन अभी इन दिनों में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर धूप आ जाती है। तो शाम के टाइम यहाँ पर अच्छा लगता है, और सुबह के टाइम तो दोपहर में तो कोई नहीं आता है। तो हम झाड़ू लगा देते हैं और उसके बाद में ही घर पर चलते हैं। तो बस थोड़े में ही लगाएंगे, ज़्यादा में नहीं लगाएंगे, क्योंकि कल भी हमने यहाँ पर लगाया था झाड़ू, तो अच्छे से लगी हुई है। तो बस थोड़े में सामने सामने झाड़ू लगा देते हैं। और बगिया में झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद में नहा धो करके पूजा भी कर ली है, और इधर हमने रख दी है लौकी उबलने के लिए। तो लौकी भी हमारी उबल चुकी है, बस थोड़ी सी ही कसर बाकी रह गई है, तो थोड़ी देर के लिए और रख देते हैं, तो लौकी उबल जाए, उसके बाद में हम बनाएंगे चावल। तो तब तक हम कुकर में राख लगा कर रख लेंगे। और एक दीदी जी हमारी बता भी रही थी कि आप दो दो बर्तन चढ़ाती हो, एक ही बर्तन में बना लिया करो, पहले आप कुकर में आलू उबाल लिया करो, उसके बाद में धुलकर उसी में चावल रख लिया करो। तो सही कहा दीदी, लेकिन हमारे यहाँ इन दिनों में दो बर्तन चढ़ ही जाते हैं, भगोने में हमारे यहाँ चाय बनती है, तो इसी वजह से भगोना भी चढ़ जाता है, और कुकर में उसके बाद में अगर चावल वावल बनाते हैं तो कुकर भी चढ़ाना होता है। तो इसी वजह से हमने कहा चलो भगोने में ही उबाल लेते हैं आलू को, और वैसे थोड़ा सा टाइम लग जाता है आलू उबालने में भगोने में, लेकिन फिर भी जल्दी से ही उबल गए थे, तो हमने कहा चलो भगोने में ही उबाल लेते हैं। जैसे कि आज हमने लौकी भी भगोने में उबलने के लिए रख दी थी, और चावल के लिए हमने कुकर चढ़ाया है, तो ना चाहते हुए भी चूल्हे पर के दो तीन बर्तन हो ही जाते हैं। तो कितना भी हम कम खर्च करें बर्तन, फिर भी ढेर सारे बर्तन इकट्ठा ही हो जाते हैं। तो इधर हम चावल बनने के लिए रख देते हैं, तो दो तीन बार इसको पहले अच्छे से धुल लेते हैं चावल को, फिर ही हम रखेंगे, और तब तक हमारी लौकी भी ठंडी हो जाएगी। तो किसी बर्तन में हम लौकी को कर देंगे तो जल्दी से ही ठंडी हो जाएगी, और फिर बनाएंगे रायता। तो थोड़ी सी रोटियां भी सेकेंगे, तो रोटियां तो हम बाद में सेकेंगे, पहले रायता भी बना लेंगे, उसके बाद में ही रोटियां सेकेंगे। तो पहले तो चावल बन जाए, उसके बाद में फिर रायता बनाते हैं, और लौकी को परोस कर रख देंगे थाली में, तो जल्दी से ठंडी हो जाएगी। और इधर चावल हमने चढ़ा दिए हैं, तो चूल्हा जला देते हैं अच्छे से, तब तक हमारे चावल बन जाएँ, उसके बाद में तब तक हम रायता का जो भी चीज़ें ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें लेकर आ गए हैं। तो तब तक हम लौकी को थाली में परोस लेते हैं, उसके बाद में इसको अच्छे से नचोड़ लेंगे, फिर हम इसका रायता बनाएंगे। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि आप गला सूना मत रखो, कुछ ना कुछ गले में पहन लो, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में है ना कि शादी के बाद में गला सूना नहीं किया जाता है। तो ये तो बात दीदी सही है, लेकिन हमारे गले में है ना कि कुछ भी हम पहन लेते हैं तो बहुत जल्दी से ही जलन पड़ने लगती है, और बहुत ही खुजली पड़ती है, जिससे है ना कि गला पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, बहुत दिक्कत होने लगती है, खोद भी बन जाती है। तो इसी वजह से हमने दो तीन दिन के लिए गले में कुछ भी नहीं पहना है, क्योंकि हमारा गला अच्छे से ठीक हो जाए, उसके बाद में कुछ ना कुछ हम जरूर ही पहन लेंगे। तो कई दीदियों ने बताया भी है कि काला धागा पहन लेना, तो जरूर ही दीदी कुछ ना कुछ हम जरूर ही पहन लेंगे। और गले की ही नहीं बात, हमारे कान भी पक जाते हैं, और जो हम पल्लू में कांटा लगाते हैं वो भी हमारा बहुत जल्दी से ही पक जाता है, और खुजली भी पड़ने लगती है। तो इसी वजह से आप सभी ने देखा ही है कि कई दिनों से हम कांटा भी नहीं लगाते हैं पल्लू में, ऐसे ही पल्लू रखते हैं, और कान भी बहुत जल्दी से ही पक जाते हैं, और पैर के जो है ना कि जो बिछिया पहनते हैं ये भी उंगलियां भी बहुत जल्दी से ही पक जाती हैं, कुछ भी हम पहन नहीं पाते हैं, तो बहुत जल्दी से ही खुजली पड़ने लगती है। तो बहुत ही गर्मियों के दिनों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, और वैसे ठंड के दिनों में नहीं कुछ भी दिक्कत होती है, तो ठंड के दिनों में हम पहने रहते हैं, गले में भी पहने रहते हैं और पल्लू में कांटा भी लगा लेते हैं, लेकिन जब भी गर्मियाँ शुरू होती हैं तब से हमारे जो शरीर में है ना कि खुजली बहुत जल्दी से ही पड़ने लगती है। और इधर हमने लौकी को भी अच्छे से नचोड़ लिया है, तो अब बना लेते हैं रायता। और
मट्ठा भी हम लेकर आ गए थे, तो मट्ठे में ही हम मिला लेंगे लौकी को भी। और इधर हमारा धुआं भी अच्छे से बन गया है, तो इधर हमने पलट लिया है जो पतीले में हमने रखा था धुआं, तो धुआं पतीले में भर जाता है, उसके बाद में उसी में मट्ठा डाल देते हैं। और थोड़ी सी लौकी हमारी बच गई थी, थोड़ी सी ही आ पाई थी, क्योंकि मट्ठा भी काफ़ी था, पूरा जग जो हमारा है भरा हुआ था, तो थोड़ी सी ही लौकी उसमें आ पाई थी। तो उसके बाद में दोबारा से हमने मट्ठे में लौकी डाल दी है। तो धुआं वाला रायता तो हमारा बन चुका है। अब जो हम लाल मिर्च लाए हैं उसका अब हम लगाएंगे छौंका, और दो लहसुन के जबे भी डाल देंगे साथ में, और उसके बाद में डाल देंगे थोड़ी सी हींग। तो इसी तरीके से हम बनाते हैं रायता। तो ऐसा वाला जो रायता है ना कि एकदम सिंपल तरीके से बनता है और टेस्टी बहुत ही होता है, क्योंकि ये धुएं वाला रायता होता है तो बहुत ही खाने में अच्छा लगता है। और इधर अब लगा देते हैं छौंका। तो रायता हमारा बन चुका है, अब जल्दी से ही सेंक लेते हैं रोटियां। और सुबह के टाइम कितना भी जल्दी से खाना बनाओ फिर भी थोड़ी बहुत देरी हो ही जाती है, और फिर उसके बाद में गर्मी बहुत तेज़ लगने लगती है, तो बस जल्दी जल्दी से सेंक लेते हैं। और दो लोग सेंक रहे हैं आज भी, तो इन दिनों में गर्मियों के दिनों में दो ही लोग रोटियाँ सेंकते हैं, तो जल्दी जल्दी हमारी रोटियाँ भी सिक जाती हैं। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और कई हमारे दोस्तों ने कमेंट किया है कि आप सूट पहना करो, तो सूट में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी जितनी ज़्यादा कि साड़ी में लगती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जितनी ज़्यादा गर्मी साड़ी में लगती है उतनी ही ज़्यादा सूट में भी लगेगी, क्योंकि गर्मियों के दिनों में जब गर्मी होती है तो चाहे कोई भी कपड़ा पहन दो लेकिन गर्मी उतनी ही लगेगी जितनी कि साड़ी में लगती है। और वैसे हाँ कि कई दोस्तों ने ये भी कमेंट किया है कि यहाँ पर सूट अच्छा लगता है, तो अच्छा लगने वाली अलग बात है, क्योंकि कोई भी कपड़ा पहनो कोई तो अच्छा लगता है कोई खराब लगता है, तो सूट हम पर अच्छा लगता है, साड़ी भी अच्छी लगती है, लेकिन गांव में सभी औरतें ज़्यादातर साड़ी ही पहनती हैं, तो इसी वजह से हम भी साड़ी ही पहनते हैं। कभी कभी मन हो जाता है तो सूट पहन लेते हैं, वैसे तो साड़ी ही ज़्यादातर बांधते हैं, तो सूट तो वैसे अच्छा लगता है, साड़ी भी अच्छी लगती है। कोई भी कपड़ा पहनो अच्छा लगने वाला जो कपड़ा होता है वो अच्छा ही लगता है। और इधर उसके बाद में हम लगाने लगे हैं झाड़ू, तो घर में तो हमने झाड़ू लगा दिया है, और इधर हम आ गए हैं रसोई में, तो रसोई में भी झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं, अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं। और यहाँ पर हमने डाले हुए हैं आलू, तो रायता थोड़ा सा ही बन पाया था तो हमने कहा चलो थोड़े से आलू डाल देते हैं, जो भी लोग दोपहरी में खाना खाएंगे तो आलू का है ना कि भरता बना लेंगे, तो भरते से रोटियां खा लेंगे, तो भरता भी बहुत ही अच्छे से बन जाता है आलू का। तो आलू हमने भून दिए हैं, सारे भून गए हैं आलू, निकाल दिए हैं, और आरोही झट से उठाकर ले गई हैं। आरोही भी भुने हुए आलू बहुत ही पसंद करती हैं, तो आरोही भी मन से खा लेती हैं आलू। और इधर पहले झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद में जो भी राख है वो बरोसी में कर देते हैं, और यहाँ पर चूल्हे की पुताई उताई भी कर देते हैं। और इधर हमने आरोही को भी नहला दिया है, तो आरोही इधर अपने आप ही क्रीम पाउडर करने में लगी हुई है, तो आरोही से हमने कहा भी कि लाओ हम कर दें, लेकिन आरोही है ना कि अपने आप ही कर लेती हैं। और बालों में कंघी भी कर ली है, तो कुछ इस तरीके से कंघी की है, अच्छे से नहीं कर पाई है, वैसे हम कंघी अंघी कर देते हैं और क्रीम पाउडर भी कर देते हैं, लेकिन आरोही का जब मन होता है तो ये खुद से ही सारे काम कर लेती हैं, हमसे नहीं करवाती हैं। तो इधर बैठी हुई हैं लेकर, सभी क्रीम पाउडर सभी चीज़ें लेकर बैठी हैं, अपने आप ही सारी चीज़ें कर लेंगी। और इधर आरोही ये मांग रही थी हमसे चीज़, जो कि ये पॉलीथीन यहाँ पर टंगी हुई है विंडो के पास में, तो ये बोल रही थी कि मम्मा इसमें चीज़ टंगी हुई है, तो यही ये बोल रही थी कि इसमें काली पन्नी में क्या है और पीली पन्नी में क्या है, तो यही सारी चीज़ें पूछ रही थी। तो हमने कहा देख लो इसमें क्या है, तो इसमें हमारे रखी हुई है जो सिलाई की थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, वही सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो कि अभी हमने जल्दी से ही मंगवाई हैं। तो हमने कहा इसमें कुछ भी नहीं है, तुमको पैसे दे देंगे तो दुकान से ले लेना, और वैसे कोई चीज़ रखी रहती है तो ये खाती नहीं है, और बिस्किट रखे हैं तो ये खाएंगी नहीं, तो फिर दुकान पर ही लेकर जाती हैं पैसे, तो कुछ ना कुछ लेकर ही आती हैं, तो ये दे भी नहीं रही थी। फिर हमने बहुत ही मुश्किलों से इनके पास से सभी चीज़ें ली और फिर से पॉलीथीन को टांग दिया, तो यहाँ पर ये पैसे मांग रही थी कि मम्मा आप दो तो हम जल्दी से ही जाएं, और ना देंगे तो तब तक ये ऐसे ही करती रहेंगी, देखो क्या कर रही है, बहुत ही शैतानियाँ देती रहती हैं, पूरा दिन ऐसे ही ये परेशान करती रहती हैं। और ना ही ये दोपहरी में अब तो सोती भी नहीं है, पहले ये सो जाती थी लेकिन अब ये नहीं सोती हैं, बहुत ही जब ज़्यादा नींद आती है तभी ये सोती हैं, वैसे दोपहरी में बिल्कुल भी नहीं सोती हैं।
और पूरी बेड पर सभी चीजें फैली पड़ी हुई हैं, तो इनको भी संभाल कर रख देते हैं। तो ज्यादातर ये आरोही ही इधर से उधर सभी चीजें करती रहती हैं, तो कपड़े भी हमारे भी पड़े हुए हैं, तो इनको भी घरी करके रख देते हैं और थोड़ी सी साफ सफाई भी कर देते हैं। तो आज भी हम थोड़ी सी यहाँ पर साफ सफाई करेंगे कमरे में, क्योंकि यहाँ पर हमको हर हफ्ते साफ सफाई करनी ही होती है, तो आज भी हम करने में लग गए हैं। तो बस थोड़ी सी ही आज साफ सफाई करनी है, तो अब की बार हम थोड़ा सा जल्दी से ही साफ सफाई करने लगे हैं, क्योंकि हमने कहा जब तक ही आरोही के पापा देख ना पाए तब तक हम साफ सफाई कर देते हैं। तो काफी गंदी हो गई है पटिया, और इस पर है ना कि जो ये धूल मिट्टी है वही सारी जम जाती है, और वैसे इससे कपड़े से साफ कर देते हैं तो बहुत ही अच्छे से चमकने लगती है। और जो बकस पर कूलर रखा था उसको भी हमने बाहर निकाल कर रख दिया है, तो थोड़ा सा कमरा हमारा खाली हो गया है, तो थोड़ी सी जगह भी निकल आई है, और कूलर की वजह से काफ़ी हमारा कमरा भरा भरा सा लग रहा था। तो जो भी चीज़ें अब रखी हुई हैं उनको भी सही से सेट करके रख देते हैं। तो जो भी सामान होता है हमको इसी कमरे में ही रखना होता है, अगर बाहर भी छोड़ दो तो बहुत जल्दी से ही बंदर आ जाते हैं और उठा लेते हैं। तो सभी चीज़ों को हम इसी कमरे में ही रखते हैं, और बहुत सारा सामान भी हो जाता है। तो जिस वाली अलमारी में पर्दा लगा हुआ है उस वाली अलमारी में तो बहुत सारा सामान भरा हुआ है, तो उसमें हमने पर्दा लगा दिया है, क्योंकि उसमें काफ़ी सामान भरा हुआ है तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है, तो हमने पर्दा लगा दिया है। और इधर अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं, और अभी इधर साइड में भी कर देते हैं जिधर हमारी कुर्सियाँ रखी हुई हैं, और कुर्सियों पर भी बहुत सारे कपड़े अपड़े रखे रहते हैं, बिस्तर भी रखे रहते हैं, तो इसी में रखना होता है हमको। और बेड को है ना कि थोड़ा बीच खाली रखना होता है, तो उस पर आरोही भी कभी कभी लेट जाती है, सो भी जाती है, तो वहाँ पर हम नहीं रखते हैं, तो इसी कुर्सी पर ही हम कपड़े रख देते हैं थोड़े बहुत जो भी होते हैं। तो हमने इधर की भी अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है, कुर्सियों को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है, और विंडो को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम जाती है। जबकि हफ्ते में एक बार साफ़ सफाई ज़रूर ही कर देते हैं, लेकिन रोज़ हम नहीं कर पाते हैं कमरे की साफ़ सफाई, वैसे हफ्ते में एक बार ज़रूर ही कर देते हैं। और अब की बार हमने कमरे की लिपाई नहीं की है, तो पुताई ही है, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, तो अब की बार हम लिपाई ज़रूर ही कर देंगे, तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी। और इधर उसके बाद में आ गए हैं पीछे वाले घर में झाड़ू लगाने के लिए, तो यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं, और धूप भी चली गई है, बस थोड़ी बहुत ही धूप रह गई है, तो हमने कहा चलो यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद में ही खाना बनाते हैं, तब तक खाना बनाने का भी टाइम हो जाएगा, तो यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी धूल उड़ती है, क्योंकि इन दिनों में हवा बहुत तेज़ चलती है, तो धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है, और धूल मिट्टी जब तक उड़ेगी जब तक एक बार बारिश नहीं होगी, जब बारिश हो जाएगी उसके बाद में धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक, आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।